नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरत जी टेक्निकल में। दोस्तों, आप में से हम में से सभी लोग WhatsApp चलाते हैं और हम सभी को WhatsApp चलाना बहुत पसंद है। यहाँ पर दोस्तों मैं आज आप लोगों को WhatsApp के कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जानकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या सीन है। जब यहां पर आप चैट पर आते हैं तो यहां पर आपको कुछ ग्रीन सर्कल दिखाई देता होगा। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अभी जो है तो स्टेटस लगाया है और हम उसे नहीं देखे हैं। मतलब कि जिन लोग जो है तो स्टेटस लगाते हैं तो उनके डीपी के आजू बाजू जो है तो ग्रीन सर्कल हो जाता है। ये जो है तो WhatsApp का नया अपडेट है जो कि अभी अभी एक दो महीने के अंदर ही लॉन्च हुआ है। इससे पहले ये फीचर नहीं था WhatsApp में। आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए मैं जो बता रहा हूँ। इसमें यदि आप डीपी पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है तो उनके स्टेटस में पहुंच जाएंगे। इससे आपको इस प्रकार से स्टेटस वाले फीचर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें चैट बॉक्स में रहेंगे और आप चैट भी कर रहे होंगे, फिर भी आप ये करके आप उनके स्टेटस में जो है तो जा सकते हैं डीपी पर क्लिक करके। जैसे मैं यहाँ पर जो है तो डीपी देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे भाभी जी लिख के आ रहा है। तो मेरी एक भाभी जी हैं तो उनका डीपी यदि स्टेटस में देखना चाहता हूँ तो वहाँ पर क्लिक करूँगा और ये देखिए मैं पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ। अब इनका स्टेटस मैं देख चुका, इसलिए जो है तो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन सर्कल जो है तो हट गया। अब मैं नीचे वाले में देखता हूँ तो इनका स्टेटस देखता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार से इनका स्टेटस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कट करता हूँ तो देखिए अभी भी यहाँ पर ग्रीन सर्कल जो है तो दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अभी इनका पूरा स्टेटस नहीं देखा है। दोस्तों, इनका ग्रीन जो है तो सर्कल तब तक रहेगा जब तक आप उनका पूरा जो है तो स्टेटस वॉच नहीं कर लेते। जैसे देखिए मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे का जो स्टेटस है वो वॉच होने लगा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये ग्रीन सर्कल हट गया है। अब दूसरे का देखिए यहाँ पे फिर आ रहा है, मतलब इनका अभी मैं स्टेटस नहीं वॉच किया। यहाँ पर जाइएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये इनका स्टेटस जो है तो वॉच कर लिया। अब यहाँ पे भी ग्रीन सर्कल हट गया। तो इस प्रकार से WhatsApp के स्टेटस से ही जुड़ा एक और बहुत ही दमदार फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, जैसे मैं इनका स्टेटस देख रहा हूँ, ठीक है, तो इनका स्टेटस देखते समय यदि मुझे इनका डीपी देखना है तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मेरे को करना ये होगा कि इनके डीपी में मेरे को क्लिक करना होगा। जैसे इनके डीपी पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, पूरा प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। यानी कि यदि आप किसी का जो है तो स्टेटस देख रहे हैं तो आपको उसके चैट वाले सेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से स्टेटस देख रहे हैं वहीं से जो है तो उनके डीपी को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्लिक करके यहाँ पर उनको मैसेज कॉल कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा है WhatsApp का, स्टेटस देखते समय जो है तो उनका डीपी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनका देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये डीपी में क्लिक करके और सीधे जो है तो WhatsApp की प्रोफाइल पर पहुँच जाऊँगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है WhatsApp का। अब मैं कुछ और फीचर WhatsApp का आपको बता देता हूँ। जैसे आप किस अपना डीपी जो है तो चाहते हैं कि मेरा डीपी सभी लोग ना देखे, तो उसके लिए भी एक मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पर ये प्रोफाइल फ़ोटो है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी एवरीवन में है, मतलब आपका जो प्रोफाइल का फ़ोटो है वो अभी सभी लोग देख पा रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो कोई भी नहीं देख पाएगा, सभी में नहीं दिखेगा। यदि आप चाहें तो जो चाहे जिसको आप चाहोगे वही देख पाएगा, या फिर आप चाहो कि जिसका जो नंबर है मेरे कॉन्टैक्ट में सेव है वही देख पाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। यदि आप माई कॉन्टैक्ट्स में कर देंगे तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में नंबर सेव है वही देख पाएंगे। यदि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब जो आपके
कॉन्टैक्ट में नंबर है वो वाले नहीं देख पाएंगे, और यदि आप जिनको जिनको जो है तो करेंगे अलाउ करेंगे वही वही आपके जो स्टेटस जो डीपी है वो देख पाएंगे, और यदि आप कर देते हैं नोबडी तो फिर आपका जो डीपी है वो कोई भी नहीं देख पाएगा, प्रोफाइल फ़ोटो कोई भी नहीं देख पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, तो ये फीचर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टेटस का। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा स्टेटस कोई भी ना देखे, मेरा स्टेटस वही देखे मैं जिसको चाहूँ, या कि फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसी के लोग देखें, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करके मैंने क्लिक किया है, तो यानी कि जिसको मैं चाहूँगा वही नहीं देख पाएगा, बाकी मेरे कॉन्टैक्ट के सभी लोग देख पाएंगे। यदि माय कॉन्टैक्ट्स कर देता हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर सेव हैं वो सभी लोग देख पाएंगे। यदि यहाँ पे ओनली शेयर विथ, तो मतलब मेरे कॉन्टैक्ट के लोग भी मेरे स्टेटस को नहीं देख पाएंगे, मैं जिसको जिसको शेयर करूँगा, ये जैसे टिक लगा रहा हूँ इनको इनको जब मैं शेयर करूँगा तभी ये लोग देख पाएंगे मेरे स्टेटस, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर आके ये जो राइट का टिक का निशान है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करना, मेरे को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सेटिंग है, यदि आप माय कॉन्टैक्ट्स पे कर देते हैं तो आपका माय कॉन्टैक्ट वाले में पूरे जितने भी कॉन्टैक्ट के हैं इस प्रकार से चला जाएगा, और यदि आप माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पे कर देते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जो है तो अपना जो वो है मैंने सेलेक्ट करके रखा है कि ये लोग मेरा स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मैं सेलेक्ट करता हूँ ये अभिषेक जैतपुरी, तो इसमें करता हूँ तो ये भी अब मेरा स्टेटस नहीं देख पाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं राइट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यदि मेरे को इसको दिखाना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको जाके मैं यहाँ पर अनटिक कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा अनटिक कर दूंगा, तो वो भी जो है तो देख पाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जिसको मैं टिक लगाया था इसके नाम पे जाके ये अनटिक कर दूंगा और यहाँ पे ये जो राइट का निशान है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये भी अब देख पाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है तो दूसरे सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, किसी के पास आपका नंबर नहीं है लेकिन आपका जो है तो वो व्हाट्सएप में सेव करके, और यदि आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो वो आपके आपका डीपी नहीं लगा है फिर भी वो आपके प्रोफाइल में जाके आपके जो बायोडाटा है अबाउट सेक्शन में जाके वो जान लेता है। तो यदि आप चाहें कि मेरा अबाउट सेक्शन कोई भी ना जान पाए, मेरा प्रोफाइल को कोई भी ना जान पाए, तो उसका भी एक बहुत अच्छा सेटिंग है और कोई भी आपको नहीं जान पाएगा जब तक आप नहीं बताएंगे। ये खासकर वो लोग यूज़ करते हैं जैसे अपने किसी बॉयफ्रेंड को ताड़ना है या फिर अपने गर्लफ्रेंड को ताड़ना है तो इस प्रकार से वो करते हैं यूज़। तो इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर आप प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अबाउट सेक्शन, तो अबाउट में मेरे यहाँ पे एवरीवन है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं माय कॉन्टैक्ट, तो यानी कि आपके कॉन्टैक्ट वाले बस देख सकते हैं, बाकी यदि आप किसी नए नंबर में मैसेज करते हैं तो वो लोग नहीं देख पाएंगे। यदि आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है तो कोई भी नहीं देख पाएंगे, जिनका जिनका नाम आप सेलेक्ट करेंगे वो लोग नहीं देख पाएंगे, बाकी सभी लोग देख पाएंगे। यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में इसके बाद नोबडी में यदि आप कर देते हैं तो कोई भी नहीं देख पाएगा, चाहे वो नया नंबर हो या फिर चाहे आपके कॉन्टैक्ट का हो। तो इस प्रकार से नया सेटिंग है, कुछ सेटिंग्स मैंने कुछ टिप्स जो है तो आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स जो है तो पसंद आए होंगे, और वीडियो कैसी लगी आपको, ये ट्रिक्स कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो